आगरा में श्रावण मास में ताजमहल में गंगाजल चढ़ाने का मामला सामने आया था। जिला जेल परिसर में जमकर नारेबाजी हुई। जेल में छूटे हिंदूवादियों ने नारेबाजी की। 3 अगस्त को ताजमहल मुख्य स्मारक में बोतल से चढ़ाया गया था जल। पानी की बोतल में गंगाजल होने का किया गया था दावा। मुख्य स्मारक और ओम लगी स्टिकर का फोटो भी हुआ था वायरल। CISF ने 2 हिंदूवादियों को मौके पर पकड़ा था, भेजा गया था जेल। वहीं 22 तारीख को हुई है जमानत और 31 अगस्त को हुई थी जेल से रिहाई। 28 दिन तक जेल में बंद रहने वाले दोनों हिंदू युवक जेल से छूटने के बाद आगरा से लेकर मथुरा तक स्वागत किया गया। हर दर्शन में मुझे ये कर्तव्य मिला और उनका जो सानिध्य था, जो मुझे शिक्षा उनके द्वारा दी गई, हर शरणार्थी को वो शिक्षा देती है कि हमारा मौलिक अधिकार है हमारे मंदिरों को मुक्त कराना। जो मुगलों ने मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार किए थे, जो लूट का काम किया, तो मेरी जो बड़ी बहन छाया गौतम जी हैं, मैं जितना उनको धन्यवाद दूँ उतना कम है कि उन्होंने हम पे विश्वास जताया कि ये मेरे दो शेर ऐसे हैं कि जो तेजो हिमालय शिव मंदिर में जल अभिषेक करके ही वापस लौटेंगे, और हमें एक नारा दिया, विजय या वीर गति। 28 दिन आप जेल में रहे और उसके बाद निकले लगभग, तो कैसा अनुभव रहा? अनुभव जेल तो जेल होती है सर, जेल का कोई अनुभव नहीं होता। सभी को मालूम है बाहर लिखा होता है कि जिला कारागार आगरा लिखा था, तो जेल तो सर जेल होती है। जेल में सारी सुविधाएं जिस जो कैदियों को जो दी जाती है वही सुविधाएं हमें दी गई। और 28 दिन नहीं, अगर 28 साल की भी अगर हमें सजा मिलती तो भी हम गर्व महसूस करते। और एक सनातनी होने के नाते मैं सभी सनातनियों को संदेश देना चाहता हूं अपने माध्यम से कि हर सनातनी को अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए और सनातन के लिए लड़ना चाहिए और अपनी आहुति दे देनी चाहिए हंसते हंसते, जैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने हंसते हंसते देश के लिए फांसी पे चढ़ गए थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा सभी सनातनी भाइयों से कि सभी हिंदू महासभा में आए और माननीय छाया गौतम जी के मार्गदर्शन में हर सनातनी का यह अधिकार है कि वो एक ताजमहल नहीं, अभी तो ईदगाह बाकी है। ताजमहल तो एक झांकी थी, अभी मथुरा ईदगाह बाकी है। देश नहीं पूरे विश्व को मालूम है कि 3 अगस्त को तेजो महालय शिव मंदिर पर अखिल भारत हिंदू महासभा के 2 पदाधिकारियों ने अंदर कब्र में जाके जलाभिषेक किया था और अपने शिवलिंग को शुद्ध किया था। वहां जो कब्र बनाई गई है मुझे लगता है वो तो खंडित हो गई। अगर आप लोग कुरान के हिसाब से देखते हो तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि अगर हिंदू पैर भी रख ले, हिंदू चला भी जाए, हिंदू अपनी किसी पवित्र चीज से उसको शुद्ध कर दे या हिंदू की कोई मूर्ति इनकी जगह पर चली जाती है तो अपने आप खंडित हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि उनकी नजर में वो खंडित हो चुकी है और हमारा तो शिवलिंग है ही, वहां पे शिव मंदिर है ही, तो वो तेजो महल पे जो इन लोगों ने जल चढ़ाया था उसमें इन बच्चों की 22 तारीख को जमानत हुई और कल इनकी रिहाई हुई है। तो आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की है